सब्सक्राइब के लिए रेड बटन पे क्लिक करें, बराबर में बेल आइकन है उस पे भी क्लिक करें, और टेक्निकल मोहनलाल यूट्यूब चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और फ्रेंड कैसे हो, आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज का टॉपिक है हमारा, नॉर्मली अपने कॉन्टैक्ट नंबरों को अपने लाइफ टाइम तक हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक सवाल उठ के आता है फ्रेंड, नॉर्मली हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं, मगर क्या होता है कभी कभार होता है अपना मोबाइल नंबर कोई काट लेता है या हमसे मिसप्लेस हो जाता है या खो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं फ्रेंड खो जाते हैं और हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा फ्रेंड, कैसे अपने लाइफ टाइम तक अपने कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रख सकते हैं। तो मैं मोहन टेक्निकल मोहनलाल जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग क्या करना होगा, हमें जाना होगा अपने गूगल प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद फ्रेंड हमें जाना है इसके सर्च ऑप्शन में। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद फ्रेंड इसमें लिखना है हमें कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स लिखने के बाद इसको आपको सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद फ्रेंड देख लीजिए टॉप पे आपको एक ऐप नज़र आ जाएगी जिसका नीला कलर का लोगो है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख लीजिए 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, 4.2 की रेटिंग है, अच्छे खासे लोग इसे यूज कर रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। तो फ्रेंड मैं कहना चाहूँगा जैसे ही आप इस ऐप को क्लिक करके देख लेते हैं तो फ्रेंड देख लीजिए इस पर आपको गूगल LLC जरूर आपको ध्यान से देख लेना है, गूगल का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे कॉन्टैक्ट करके बहुत सारी ऐप हैं जो आपको नज़र आ जाएंगी। तो इस टाइप की ऐप आएगी, इस पर आपको क्या करना है, जहाँ पे मेरा ओपन का ऑप्शन नज़र आया वहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पर मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस ऐप को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही फ्रेंड आपकी ऐप डाउनलोड हो जाती है डायरेक्ट यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करके फ्रेंड पहला जो आएगा इसके अंदर आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेना है अच्छी तरह। जैसे ही आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपकी जो भी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, लाइफ टाइम तक आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर अपने ईमेल आईडी के साथ सेव करके रखना है। तो देखिए नीचे आपको नज़र आ जाएगा प्लस का ऑप्शन, प्लस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, जिसका भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है उसका नाम डालना है, सेकंड नेम डालना है, उनका कंपनी भी नेम डाल सकते हैं, उनका नंबर, जो भी आपको उनकी ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, कॉन्टैक्ट मतलब सेव करने के लिए जो भी चीज़ आपको डालनी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप उनकी पिक्चर भी लगा सकते हैं गैलरी में, वो तो गैलरी में से ले सकते हैं, नहीं तो आप कैमरे से भी क्लिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको उसको सेव कर सकते हैं, ये जो नंबर आप इसमें सेव करेंगे लाइफ टाइम तक आपके पास रहेगा आपकी ईमेल आईडी के अंदर से। जब भी आप किसी भी फ़ोन में उस ईमेल आईडी को ओपन करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं आपके मोबाइल के अंदर शो कर जाएंगे फ्रेंड। तो इस टाइप से आप अपने लाइफ टाइम तक अपने मोबाइल के अंदर इन कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके रख सकते हैं फ्रेंड। और भी इसके अंदर अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड में आपको तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो भी डुप्लीकेट नंबर है वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम छोड़ के, सेकंड कॉलम छोड़ के थर्ड कॉलम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका देख लीजिए इस टाइप का इंटरफेस आएगा, सारे आपके कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर शो कर जाएंगे। जो भी आपके डबल कॉन्टैक्ट नंबर होंगे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऐप थी जिसके रिगार्डिंग आप अपने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर को लाइफ टाइम तक अपने पास सेव करके रख सकते हैं। या आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है या मिसप्लेस भी हो जाता है, डेड भी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ भी आप कोई भी मोबाइल के अंदर इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि आप इसी ऐप के अंदर ही आप इस मोबाइल को या इसी ऐप के अंदर इन कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके ईमेल आईडी होगी, जिस ईमेल आईडी से आप इसे लॉगिन करेंगे उस ईमेल आईडी में वो मोबाइल नंबर जो होगा वो सेव हो जाएगा। जब भी आप किसी भी मोबाइल के अंदर किसी भी हैंडसेट के अंदर उस ईमेल आईडी को खोलेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वो सारे नंबर शो कर जाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो थी, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को फ्रेंड लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जो इस वीडियो का सबको लाभ हो पाए और सबको इसकी इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल पाए। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड मैं वीडियो का अंत करता हूँ, अंत करने से पहले फिर कहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जो इस वीडियो का सबको लाभ मिल पाए। तो फ्रेंड ओके, बाय बाय।